आपकी स्किन भी मेरी तरह ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है और आप कोई ऐसा सीरम ट्राई करना चाहते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो और मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूं मामा अर्थ की उपटन रेंज। आज मैं आपके साथ इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, बेनिफिट्स शेयर करने वाली हूँ और एट द एंड यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज द मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। पैकेजिंग की बात करें तो ये सबसे पहले आपको इस तरह के एक प्लास्टिक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है और अंदर आपको इस तरह का एक प्लास्टिक बॉटल मिल जाता है। दिस कम्स विद अ बिल्ट इन फेस ब्रश जिससे कि आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। फेस को बहुत अच्छे से क्लेंस कर देता है और साथ ही साथ ही आपके फेस को एक माइल्ड एक्सफोलिएशन भी प्रोवाइड कर देता है। और एज यू कैन सी द ब्रिसल्स आर रियली सॉफ्ट फॉर योर स्किन, तो ये आपको स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। आफ्टर यूज इस ब्रश को कवर करने के लिए इन्होंने एक प्रॉपर लिड भी प्रोवाइड की है। तो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इस प्रोडक्ट को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करेगा। यू हैव टू पंप द प्रोडक्ट आउट और यहाँ से वो फोमिंग फेस वॉश बाहर आएगा। यू हैव टू यूज इट लाइकवाइज ऑन योर फेस इन सर्क्यूलर मोशन, देन यू कैन रिंस एंड पैट ड्राई योर फेस। तो लाइक एनी रेगुलर फेस वॉश आपको इसको यूज कर लेना है। साथ एक बिल्ट इन सिलिकॉन ब्रश दिया हुआ है, तो यू डोंट हैव टू यूज योर हैंड्स। तो ये अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस कर देता है, जेंटली एक्सफोलिएट भी कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल और केमिकल फ्री होते हैं और उपटन के बारे में आप सभी जानते हैं कि उपटन एक एज ओल्ड तरीका है जिससे कि हमारी स्किन और ब्राइट और फ्लॉलेस दिखने में हेल्प करती है। तो यही चीज एक फेस वॉश के फॉर्म में है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है सैफरन। सैफरन जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें बहुत विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारी स्किन को सूद करता है, डीपली मॉइस्चराइज कर देता है। इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टर्मरिक जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो लाने में हेल्प कर देता है। इट रिड्यूसेस साइंस ऑफ एजिंग एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सन्स रेडिकल डैमेज। थर्ड इंग्रेडिएंट है कैरेट ऑयल। कैरेट ऑयल हेल्प करता है हमारी स्किन से टैन रिमूव करने में, जो कोई भी स्पॉट्स वगैरह हमारी स्किन पे उसे लाइटन कर देता है एंड एक ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है वॉलनट बीड्स। वॉलनट बीड्स इज अ ग्रेट एक्सफोलिएंट। ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने में हेल्प कर देता है, हेंस ही आपकी स्किन से जो भी डेड सेल्स वगैरह है इसे अच्छे से रिमूव कर देता है। इसकी वजह से आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो मिल जाता है। फेस वॉश के रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगे, तो इसीलिए आई हैव टू ट्राई अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज। तो मैंने ट्राई किया है इनका उपटन फेस सीरम फॉर स्किन ब्राइटनिंग। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी आपको इस तरह की एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है। अंदर यू गेट अ ग्लास बॉटल लाइक दिस। दिस इज अ 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं इसके यूसेज, इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बेनिफिट्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीरम इस तरह का एक लाइट येलोइश सीरम है जो कि बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है। ये जल्दी से आपकी स्किन पे अब्सॉर्ब कर देता है और आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। यूज करने के लिए आपको 3 to 5 ड्रॉप्स लेने हैं। यू हैव टू मसाज इट ऑन योर स्किन इन अपवर्ड मोशन। आपके कोई भी टोनर के बाद यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन अप्लाई दिस सीरम ट्वाइस अ डे, यानी कि आप इसे अपने मॉर्निंग रूटीन और आपकी नाइट रूटीन दोनों में ही आप इसे ऐड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। मेन इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक। नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ये आपके ब्लेमिशेस वगैरह को रिड्यूस कर देता है। और इंग्रेडिएंट है सैफरन। सैफरन अगेन आपकी स्किन को सूद करने में हेल्प करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और आपके सेल्स को रिपेयर भी करता है। और इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है नियासिनामाइड। हेल्प करता है आपकी स्किन पे एक बैरियर प्रोवाइड करने में जिससे कि आपकी स्किन को डैमेज ना हो। एंड ये साथ ही साथ आपके फेस से रिनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। और इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल इज रिच इन विटामिन ई व्हिच डीपली मॉइस्चराइजेस योर स्किन एंड इट कीप्स द मॉइस्चर लॉक्ड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सीरम आपको एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपके मॉइस्चर को रिटेन करता है, आपकी स्किन को सन डैमेज से बचाता है। सो दिस इज अ ग्रेट सीरम। अगर आपकी भी मेरी तरह ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज समथिंग विच इज इजिली अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड इज इन द अफोर्डेबल रेंज। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको हर जगह बहुत इजिली अवेलेबल है। आप इनके प्रोडक्ट्स को mamaearth.in से परचेज कर सकते हैं। आप इनके ऐप से भी परचेज कर सकते हैं जिसको आप कोई भी एंड्रॉइड या iOS डिवाइस से डाउनलोड कर सकते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको इजिली Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है। ये है मेरा कोड kachi2021 जिसे यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू दिस वेबसाइट जहां पे वो आपके बिहाफ पे एक ट्री को प्लांट करते हैं। दिस इज कॉल्ड देयर प्लांट इनिशिएटिव। और साथ ही साथ मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी, यानी कि ये जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे ज्यादा ये प्लास्टिक
उससे ज्यादा ये लोग प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। आपकी भी मेरी तरह ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है विच इज प्रोन टू एक्ने, दिस बोथ प्रोडक्ट्स विल रियली वर्क वेल ऑन योर स्किन। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, द कोड ऑल्सो विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।